नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आप गांव में रहने वाले एक ग्रामीण हैं और आप सीएससी के माध्यम से या अपना खुद का एक गैस एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे सीएससी जो कॉमन सर्विस सेंटर संस्था है जिसके माध्यम से जनसेवा केंद्र वगैरह कॉमनली चलते हैं, उस संस्था ने अपने जितने भी सर्विस सेंटर थे, जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी जनसेवा केंद्र थे, उनको गैस एजेंसी का लाइसेंस देने का रास्ता साफ कर दिया है। उन सभी को सीएससी के माध्यम से गैस रिफिल बुकिंग सेंटर यानी कि गैस एजेंसी का जो भी काम है, नया कनेक्शन और ये सारी चीज़ें, होम डिलीवरी वगैरह, उसकी सर्विसेस दी गई हैं जिसके माध्यम से ये सारे काम कर सकेंगे। और वहाँ से आप नया सिलेंडर की बुकिंग हो गया, नया कनेक्शन करवाना हो गया, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और हर गाँव में ये अपना एक गैस एजेंसी बनाएंगे। तो इसमें अगर आप एक वीएलई हैं तभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके अच्छा खासा काम कर सकते हैं, या फिर एक आम नागरिक हैं तो आपके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप सीएससी माध्यम से जुड़ के अपना जो है एक गैस एजेंसी खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे इस तरह के नए नए वीडियोज़ जो हैं हमेशा मिलते रहें। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ जितने भी दोस्त हैं, जितने भी वीएलई ग्रुप हैं, सही पहुँचा दिया ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए बता देता हूँ आपको आज इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लिए चल रहा हूँ सीएससी की जो गैस रिफिल बुकिंग या नए कनेक्शन की वेबसाइट है, वहाँ पर जिसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। और वहां पे जाने के बाद दोस्तों, आप क्या काम कर सकते हैं उसके लिए मैं बता दूं। यहां पे जैसा सबसे पहला ऑप्शन है बुक योर गैस रिफिल, यानी कि आप जो गैस सिलेंडर की रिफिल मंथली हर बार जो बुक करवाना पड़ता है उसको गैस लेने के लिए, वो कर सकते हैं। दूसरा है उज्ज्वला योजना के भीतर एक नया गैस कनेक्शन जारी करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आप लोगों के घर पे गैस सिलेंडर डिलीवर करने का काम कर सकते हैं, यानी कि अपनी गाड़ी में या जो भी आपके पास वाहन है उसके माध्यम से लोगों के घर पे जाके उनको सर्विस दे सकते हैं गैस सिलेंडर डिलीवरी की। ठीक है, ये सारी सर्विसेज देने के लिए आपको कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए मैंने एक डिटेल पोस्ट vlesociety.com की हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर लिख रखा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे सीएससी गैस बुकिंग या सीएससी गैस एजेंसी ऐसा करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिंक आएगा सीएससी गैस एजेंसी रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहाँ खोला जा सकता है, किनको मिलेगा, कैसे ऑनलाइन करेंगे और क्या कमीशन वगैरह रहेगा, इसके बारे में डिटेल लिखा रहेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ इसमें काम कैसे करना। तो यहाँ पर सिंपली आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करके लॉग इन कर लेना है अपनी सीएससी आईडी के साथ में। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो उसके बारे में आगे बात करेंगे कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो उसको यस कर दीजिएगा लॉग इन करने के बाद। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपकी जो भी डिजिटल सेवा सीएससी आईडी की डिटेल है वो लिख के आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे अगर आप प्रोसीड करते हैं तो आपकी ये जानकारी गैस सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि जो भी गैस सर्विस कंपनी है उसके साथ में साझा की जाएगी। तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपको इनके साथ में जुड़ के काम करना है। और वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिफिल बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। उज्ज्वला कनेक्शन अगर आपको करना है तो किस कंपनी के साथ में कनेक्शन करना है उसके लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको रिफिल बुकिंग करना है तो कंपनी जो भी है आपका उस पर टिक करिएगा। और जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है आपके एरिया में उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर गैस सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उसका कंज्यूमर नंबर डालना है जिसका भी आपको गैस बुकिंग करना है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही आएगा, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गैस एजेंसी हैं संबंधित कंपनी के वो आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला। और अभी अगर आपको यहाँ पे किसी का गैस बुकिंग करना है तो उसका आप कस्टमर आईडी डालेंगे या कंज्यूमर नंबर डाल के ऐसे सबमिट करेंगे तो वहाँ पर जो भी कस्टमर है उसकी डिटेल लिख के आ जाएगी, प्लस आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप पेमेंट करके इनका गैस बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्विस सभी स्टेट्स में लगभग चालू हो गई है। अगर आपके यहाँ पे नहीं आ रही तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जताइएगा। और अगर आप सीएससी के माध्यम से ये कर पा रहे हैं तो आप ये चीज़ अपने तक ही मत रखिएगा, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी साझा करिएगा और सभी को बताइएगा कि हमें कहाँ से जानकारी मिली इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है, अभी इसी तरीके से अगर आपको नया कनेक्शन खोलना है तो उज्ज्वला योजना के भीतर इंडियन से खोलेंगे, भारत से, एचपी से, जिससे भी आपको खोलना है उस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। और हो सकता है अभी आपके स्टेट में ये ओपनिंग की सर्विस अगर लाइव नहीं हुई होगी
तो इस तरह का कुछ मैसेज देखने को मिले। ठीक है, अगर ऐसा मैसेज आपके सामने आता है तो समझ लीजिए अभी आपके यहाँ नया कनेक्शन चालू नहीं हुआ, लेकिन गैस बुकिंग यानी कि रिफिल बुकिंग की सर्विस अभी आप कर सकते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है आपको तो यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही अगर आपको नया कनेक्शन हो पा रहा है तो आप किस स्टेट से हैं उसके बारे में मुझे बताइएगा, ताकि मैं बाकी वीएलईज़ को भी इन्फॉर्म कर सकूँ कि आपके स्टेट में ये सर्विस लाइव हो चुकी है। ठीक है, तो अभी तो बात हो गई कि ये आप बुकिंग और नया कनेक्शन कैसे करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि ये चीज़ अगर आपके पोर्टल पे नहीं आ रही या फिर आप एक वीएलई नहीं है तो कैसे इसके लिए ज्वाइन करेंगे। तो सिंपली आप गूगल पे सर्च करके सीएससी गैस बुकिंग ऐसा सर्च करिए, और यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है इसका लिंक भी दे दूंगा मैं, नीचे से जाके पढ़ सकते हैं इस लिंक पे। और यहाँ पे जाने के बाद अगर आप एक सीएससी वीएलई बनना चाहते हैं तो उसके लिंक मिल जाएगा। हालांकि मैं बताया दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको csc.gov.in की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो पेज है वो खुल के आएगा csc.gov.in की वेबसाइट पे। और वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है इंटरेस्टेड टू बिकम अ सीएससी। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुलेगा जहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अपने गाँव में अपनी ग्राम पंचायत में एक सीएससी सेंटर खोल सकते हैं। वहाँ पर जो भी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं उसके बारे में कंप्लीट मैंने वीडियोज़ भी बना रखे हैं, और vlsociety.com को बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे आपको जहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बैंक में बनना है, गैस एजेंसी खोलनी है, एजुकेशन सेंटर बनना है, ये सारी चीज़ें आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, मैंने ऑलमोस्ट सभी वीडियो जो है सीएससी के ऊपर बना रखे हैं, तो अगर मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप सीएससी का टी शर्ट कैप वगैरह खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ जितने भी दोस्तों जितने वेली ग्रुप है पहुँचा दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।